नशे में डूबे हैं ये रहते हैं मदहोश। सर वो मैंने दो तीन जगह पॉइंट आउट किया है, बहुत बड़ी अमाउंट्स एक दो जगह हेड्स में डालने की कोशिश की है। मुझसे सिस्टम की खराबी बर्दाश्त नहीं होती। देखो कामरान, जब तक मैं इस ऑफिस में हूं ना, तुम्हें इस सिस्टम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। राउफ ने कुछ नहीं बताया? वो कमीना भी राहिल का वफादार निकला। इंस्पेक्टर साहब को बुलाया था मैंने आज दफ्तर। उन्होंने जब जेल में सड़ने की धमकी दी है तो राउफ ने बताया कि राहिल ने 35 लाख रुपए किसी लाइजा नामी लड़की को दिए। हम कहाँ पहुंच गए? लाइजा रेस्ट हाउस थोड़ा दूर है यहाँ से, और इधर की चाय बहुत अच्छी होती है, पियोगी? हेलो जी मामा। मामा परेशान क्यों हो रही हैं? मैं कोई पहली बार तो घर से बाहर नहीं रही। नहीं मामा, आप परेशान ना हो, मैडम है ना मेरे साथ, पर जब वो साथ होती हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके बाय। लवली मॉर्निंग। हाँ यार कितना अच्छा लगता है ना यहाँ पर आके, सो प्लेजेंट। ये जगह मुझे बहुत अपील करती है। अरे शंकर बेटा। क्या हाल है मौली साहब? बस ठीक हूँ बेटा। बेटा कहाँ जा रहे हो? बस ये चक्की तक जा रहा था मौली साहब। बेटा वो तुम्हारे चाचा का क्या हाल है? कल से नजर नहीं आया। चाचा घर पे और बिल्कुल ठीक है। और वो पूजा? पूजा भी बिल्कुल ठीक है मौली साहब। अच्छा अच्छा बेटा, खुश रहो, तुम खुश रहो। घर में सबको मेरा सलाम कहना। जी ओके, अल्लाह हाफिज, खुश रहो। अल्लाह। हाँ भाई शंकर, क्या कह रहा था ये मौलवी? घर वालों का हाल पूछ रहे थे। घर वालों का पूछ रहा था या तेरी होने वाली घरवाली का? वैसे तेरी किस्मत पर भी रश्क आता है शंकर। कहां तू गरीब आदमी और कहां वो प्यारी सी पूजा। वैसे कब हो रही है तेरी शादी उसके साथ? दिवाली पे। अच्छा तो उसके लिए कर रहा है तो इतनी मेहनत? रामू के होते हुए पूजा तेरी कैसे हो सकती है शंकर? शांति हो। रेहाना जी। बीबी जी चाय जल्दी ला दो यार। जी अच्छा बीबी जी।
हेलो मैडम। अब तुम्हें फोन कर रही थी, शायद तुम सो रहे थे। नहीं मैडम, बस वो उठने ही वाला था। तुम जल्दी से ऑफिस पहुंचो। खैरियत तो है? सवाल मत करो, तुम्हें जितना कहा जा रहा है वो करो, जल्दी दफ्तर पहुंचो, मैं भी पहुंच रही हूँ। ओके मैडम, आई एम कमिंग। जय जग शेन हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। वक्त जनक मुर जान नर। सुबह सुबह शंकर कहाँ चले जाता है? आई से खैर नहीं, बताता भी नहीं मुझे। ये गया कहाँ है? अब इसकी खैर नहीं। तो बता, ये सुबह ही सुबह कहाँ चला जाता है? यहीं था। यहाँ कहाँ थे? मुझे तो कहीं नजर नहीं आती। ओ जगजीत घर आ गया ये। पूछ पूजा से। बाबा मुझे कुछ नहीं बताता, चल बता देना कहाँ गया था। पूजा एक ही बात के पीछे ना पड़ जाया कर सुबह सुबह। तो वो ठीक कह रही है ना, तेरी भी कुछ समझ नहीं आ रही। पता नहीं कहाँ खोया खोया रहता है, क्या सोचता रहता है, क्या करता रहता है। मंदिर क्यों नहीं जाता? चला जाऊंगा मंदिर। खाने को मिलेगा कुछ आज? कुछ नहीं, घर में कुछ भी नहीं है। पहले जाके आटा पिसवा के आओ। पूजा मेरा दिमाग ना खराब किया कर, ठीक है? अभी मैंने तेरे साथ सात फेरे नहीं लिए जो तू इस तरह सवार हो जाए मेरे ऊपर। अच्छा, सात फेरे में दिन ही कितने रह गए? बाबा ने कहा है कि इस दिवाली पर तू और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। अच्छा, अब जब तक एक नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक भूख से मार देगी क्या मुझे? कुछ खाने के लिए लेकर आ, जीने दे मुझे। अभी लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम के बच्चे, आते ही लग गए तुम नौकरी पक्की करने के चक्कर में। क्या हुआ रऊफ साहब, खैरियत तो है? क्या जरूरत थी तुम्हें अकाउंट्स में घुसने की? क्या मतलब? तुम्हारी ढेर होशियारी की वजह से मैडम को शक हो गया, हर किसी को चोर की नजर से देख रही हैं। मियां बीवी में झगड़े शुरू हो गए। मियां बीवी में झगड़े? सर सर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया है? एक मामूली सी मिस्टेक थी जो मैंने ठीक की है। इतने भोले मत बनो, अभी तो आगे आगे देखो कि होता है क्या। सर क्या मतलब? सबसे पहले पड़ेगी तुम्हें लाल, फिर लगेगा नौकरी पे टर्मिनेशन का धब्बा, और फिर मारे मारे नौकरी ढूंढते फिरोगे लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, समझे? सर वो सर 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 वजह परेशान हो रही हो। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे डर से वो कहीं छुप गया है। छुप गया? कब तक छुपेगा और कहां तक भागेगा डैडी?
जब पैसों की जरूरत होगी ना तो यहीं पर आएगा। ढीठ के सर पर सींग थोड़ी होते हैं, देख लेना तुम, आ जाएगा। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ आज तुम ऑफिस तो नहीं जाओगी ना? जाऊंगी डैडी, अगर यहाँ पर रही तो इसी तरह कुर्ती सड़ती रहूंगी। मेरा ख्याल है कि तुम्हें दो चार दिन आराम कर लेना चाहिए। आराम? आराम तो जैसे मेरी जिंदगी से खत्म ही हो गया है। क्या बात है, रस्ते पर तुम्हारा फोन बजता रहा लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया। Everybody is materialistic here. पैसे के पुजारी हैं यहाँ के लोग। हेलो, क्यों फोन किया? मैंने कहा था मैं खुद फोन कर लूंगा, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है। बस ठीक है, मेरे फोन का इंतजार करना। ओके। कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मुझे नहीं बताओगे? क्यों, तुम्हें बताना जरूरी है क्या? ऑफ कोर्स राहिल, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूं। दोस्त? दोस्त नहीं होती तो तुम्हारी एक फोन कॉल पर नहीं चली आती, और वो भी इतनी दूर। एक फोन कॉल पर इतनी दूर चली आए, वो दोस्त नहीं, बिकाऊ होती है। वैसे भी मैं यहां पे कोई रिश्ते निभाने नहीं आया हूं। सिर्फ एंजॉय करने आया ते। कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, इंसान तो बेखबरी में मारा जाता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो फातिमा, अब तो अल्लाह पाक से एक ही दुआ है कि वो कोई दुख ना दिखाए,
शौहर चला गया, बेटी चली गई, अब तो एक बेटा है, अल्लाह उसे सलामत रखे। अल्लाह कामरान को हमेशा आपका फरमा बरदार रखे। आमीन आमीन। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइए, आपने कामरान से शादी की बात की? हाँ, मैंने उसे बताया है। तो फिर क्या कहा उसने? मेरी बात को हंस के टाल दिया उसने, लेकिन एक बार उसे आ जाने दो, खाली हाथ नहीं जाने दूंगी उसे। तो क्या शादी करवा के बहू के हाथ में अपना बेटा दे देंगी, उसे रुखसत कर देंगी उसके साथ? बेटा ना भी दो तो बीवियां छीन लेती हैं। अरे पगली, जब रहना ही अकेले है तो फिर ये आस कैसी? आज से पारा पढ़ने वाले बच्चे नहीं आए? मैंने खुद ही छुट्टी दे दी, घर पे थोड़ा काम था ना इसलिए। अच्छा तो मुझे बताइए ना कौन सा काम है, मैं अभी कर लेती हूँ। ऐसा करो, तुम बावर्ची खाना देख लो, अभी देख के आती हूँ। ठीक। इरफान साहब, इरफान साहब, अगर वादा खिलाफी कभी एक मर्तबा हो जाए तो दरगुजर के काबिल होती है। अरे आपका एक टेंडर कैंसिल हुआ है और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं, आपका हमारा तो बरसों का साथ है। देखिए इरफान साहब, अगर आप इस तरह गुस्सा करेंगे तो हमारा आगे चलना जरा मुश्किल हो जाएगा, मैं आपको बता दूं जी। अरे भाई, टेंडर जिस पार्टी को दिया है वो अपने ही लोग हैं। नहीं 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 नहीं, आप यकीन कीजिए, ये वाहिद डील है जिसमें मनी नहीं, मन इन्वॉल्व है जी। अरे एक टेंडर है ना, क्यों फिक्र करते हैं आप, मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगा आपको, इतनी सी बात है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। ओके चले, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाय बाबा। अरे मेरा शहजादा, कैसा है? फिट। बैठ। कहां से आ रहा है? शानजे के घर से। शानजे के घर से? खैरियत थी? खैरियत का तो पता नहीं, लेकिन एक न्यूज है मेरे पास। क्या? किंजा का हस्बैंड राहिल ऑफिस से लाखों रुपए लेकर गायब। गुड न्यूज। इसका मतलब है कि किंजा की शादी एक डील थी। ऐसा लगता तो नहीं। कितने बच्चे हैं किंजा के? बच्चा तो कोई नहीं। और शादी कब हुई थी? यही कोई 2 साल पहले। 2 साल पहले। इसका मतलब है किंजा की जिंदगी में ना औलाद है और ना शौहर, वो एक खुला मैदान है। राम बली कर दो, हे राम, हे राम बली कर दो, अपने भगत पे कर्म कर दो। पूजा बेटी, अरे पूजा कर ली है, चाय पिला दे। लाई बाबा, देख दूध पत्ती बनाइए तेरे लिए। तू वापिस आ गया? साहब जी का रेस्ट हाउस नहीं गया? साहब आ गया क्या? हाँ, अभी अभी ललित पैगाम लेके आया था कि साहब जी तो सुबह सुबह ही पहुंच गए। बस ठीक है, मैं जाता हूँ फिर उसकी तरफ। सुन, शादी के लिए पैसे जोड़ ले। कहाँ से जोड़ूं चाचा, जो भी कुछ कमाता हूँ तो सारा का सारा ही। अच्छा, और वो जो तू मेरे लिए खुशबू और गजरे लेके आता है, वो
ये खुशबू और गजरों की कमाइयों से शादियां नहीं होती। ठीक है, तो कौन तुझसे लाखों रुपए मांग रहा है? अरे बात सुन, दिवाली से आगे बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा, पहले पहले कर ले वरना फिर शिकायत ना करना। अच्छा फिलहाल चला जाओ, इंतजार कर रहा होगा साहब आपको। हाँ ना के आता हूँ मैं। शंकर तुम आ गए? जी साहब। साहब आपने इस दफा आने का बताया नहीं, वरना आप तो हमेशा। हाँ बस अचानक ही प्रोग्राम बन गया। कौन है ये? ये शंकर है, तुम्हारा गाइड। गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। क्यों, तुम ड्राइव नहीं करोगे? नहीं मुझे कुछ काम है, ऐसा करो तुम इसके साथ घुमाओ। प्लीज राहिल, मुझे भी घूमने का कोई शौक नहीं है। तुम फ्री हो जाओ फिर साथ चलेंगे। मेरा ख्याल है कि तुम इसके साथ घूम आओ। और हाँ शंकर, बेगम साहबा का खास ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र ही ना करें साहब, मैं हूं ना। चले बेगम साहब, आज आपको अपने कश्मीर की खूबसूरती दिखाते हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ। हाँ तुम जाओ। तो क्या सोच रही हो? चेंज कर लो। ये चेक राहिल के अकाउंट का है। तो फिर आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर ये मेरी कंपनी के अकाउंट का चेक होता तो बात और थी। Can't help it, sorry. लेकिन राहिल से तो ताल्लुक है ना आपका? ताल्लुक था, मेरी कंपनी में वो फ्रॉड करके भागा हुआ है। तुम 5 लाख रुपए को रो रही हो, मेरी कंपनी अकाउंट से उसने पूरे 35 लाख रुपए निकलवाए हैं। किसी लड़की पर दिल हार बैठा है वो, और वो 35 लाख भी उसने उसकी नजर कर दिए हैं।